उसी कड़ी में लगातार हमारी AICC कोविड टास्क फोर्स कमेटी पूरे देश भर के लिए चीज़ों को मॉनिटर कर रही, सारे इंडिविजुअल लीडर्स यूनिट्स इस बीच में अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकते हैं लोग कर रहे हैं। और आज खुसूसी तौर पर चूँकि हमारे नेशनल लीडर राहुल गांधी जी का बर्थडे है और स्पेशल डायरेक्टिव आया वहाँ से कि आज के दिन पर हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें, कोई सेलिब्रेशन ना करें, बल्कि जो सिचुएशन है उसमें हम लोगों को मदद करने की कोशिश करें, चाहे ब्लड डोनेशन से करें, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने से करें, खाने पीने की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट से करें। तो उस डायरेक्शन में पूरे JNK में तमाम यूनिट जहाँ पर भी सरकार ने हमें थोड़ा सा राहत दिया अलग किया, मैं बहुत सारे ज़िलों में तो आज लॉकडाउन है उसकी वजह से बाहर नहीं चल रही है, तो मतलब जहाँ जहाँ अलाउ कर रहे हैं वहाँ हमारी आज की एक्टिविटी सिर्फ लोगों को, गरीब लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किस तरह से हम मदद कर सकें, ये ही राहुल गांधी जी की इच्छा भी थी, यही कांग्रेस पार्टी आज के दिन तक करें। सोशल डिस्टेंसिंग को और जो कोविड
प्रोटोकॉल है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई लंबी भीड़ भाड़ ना करें, लिमिटेड छोटे छोटे फंक्शन हो उसको करिए। सर आजकल डेवलपमेंट हुई दिल्ली में और अब 24 तारीख का तकरीबन फाइनल है, मीटिंग होने जा रही है आरपा की, मीटिंग 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पार्टीज को दिल्ली बुलाया जा रहा है, क्या आप जाएंगे? क्या खबरों में हमने भी सुना है, अभी कुछ सोशल मीडिया में ज़्यादा है, ऑफिशियल चैनल्स पर तो अभी कहीं नहीं है, एक्सेप्ट ये कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क्यादत में हाई लेवल टीम ने होम मिनिस्टर ने चेयर किया है, उसमें अंदर अंदर क्या क्या कैमरा कुछ तो उसके इंग्रेडिएंट्स रात को आए हैं, वो सारे जम्मू कश्मीर के बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर तो, मगर जो ये खबर है कि प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग को, ऐसा कोई अभी डिकोडिंग हमारे पास नहीं है। हमारे पास कंट्रोल है, हमारे साथ टॉप लीडर्स हैं, आपके पोलिटिकल पार्टी के कंफर्म किया है, कम्युनिकेशन मिली है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कम्युनिकेशन मिली है और आप जाएंगे तो क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? अगर तो कोई कोई बात नहीं, हम इतना कहेंगे कांग्रेस पार्टी का बुनियादी उसूल रहा है, कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, नाराजगी हो, उसका रास्ता है डायलॉग से, बातचीत से। वो कांग्रेस पार्टी उसकी कैप्टन खुद रह चुकी है, देश के अंदर जो समस्याएँ थी वो चाहे रीजनल समस्याएँ थी, इकोनॉमिक इशूज थे, एम्प्लॉयमेंट इशूज थे, उसमें हमेशा बातचीत से ही आगे चलाएगा। तो जम्मू कश्मीर के मामले में भी हमारा मौका हमेशा रहा कि हमें लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज हो रियासत के, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, चाहे डेवलपमेंट इश्यूज हो, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हो, ये सबसे आसानदा स्टेट है। पॉलिटिकल अभी यहाँ मीडिया पर थोड़ी कह, जब उस तरह की कोई वहाँ अगले साइड से ऑफर आएगी, कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है, वो तो आप लोग अक्सर बेशतर सुनते आए हो, हम दूसरे लोगों की तरह ज़िगज़ैग नहीं करते हैं, कहीं लालच आएगी तो हम अपना मौकफ चेंज करेंगे, कहीं नाराज़गी हो तो दूसरा करेंगे, कांग्रेस का क्लियर कट स्टेट स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के मामले में लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए, जमहूरी तरीके से फैसले होने चाहिए, और जमहूरी तरीके से जब फैसले होंगे तो उसमें कंसेंसस आ जाता है, हो सकता है हमारी राय कोई हो, जब दूसरों की सुनने उनकी भी क्या राय हो, बट उसके लिए नेशनल लीडरशिप को ओपन हार्टेड डायलॉग में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर तो कोई ठीक ये कह देगा कि नहीं मेरी ये पोजीशन है, मैं इससे आगे नहीं हटूंगा, या दूसरा कोई कहेगा कि मेरी ये डिमांड है, इससे नीचे नहीं हटूंगा, तो डायलॉग का आगे कोई रिजल्ट तो कई सारी चीज़ें हैं, वो हम अपना राय उस प्लेटफॉर्म पर रखेंगे जिस प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाएगा, एज ए नेशनल पार्टी रियासत में जल्द अज जल्द होनी चाहिए, रियासत का स्टेक वापस मिलना चाहिए, जो कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस है, अब चूंकि 2 साल से ज़्यादा गुजर गया तो कोई डेवलपमेंट का यहाँ कोई दौर तो चला नहीं, वो पुरानी ही UPA सरकारों के प्रोजेक्ट्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है, इनाग्रेशन भी हो रहा है, कोई नया चीज़ नहीं, एम्प्लॉयमेंट जीरो है, डेवलपमेंट व्यापार ठप है, लोग परेशान हैं, कोविड की वजह से वैसी ही महामारी है, तो इन सारी चीज़ों के सामने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई राहत देने वाला कोई कदम तो अभी तक उठाया नहीं, खाली हम बैनर न्यूज़ें सुन रहे हैं। आज पंचायतों में यूथ क्लब बनाए जा रहे हैं, ये भी बड़ी न्यूज़ है, उन यूथ क्लबों को करना क्या है, उनका रोज़गार कैसे होगा, उनकी फंडिंग कैसे होगी, ये बैनर न्यूज़ डिलिमिटेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, तो जब डायलॉग होगा तो रिऑर्गनाइजेशन पर भी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फैसले लिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को पहले एग्री करेगा, हाँ वो हमारी गलती हुई, तो आगे के रास्ते और खुलेंगे। तो आप इसको वेलकम करते हैं जो अगर नहीं डायलॉग किसी शेप में हो किसी भी वक्त, कांग्रेस पार्टी ऑलवेज इन फेवर ऑफ डायलॉग।